नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत। आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक, और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल को व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। अपने समकालीन विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिल ने मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, और यही कारण है कि उन्होंने अपना ग्रंथ स्वतंत्रता के ऊपर ही लिख दिया। ऑन लिबर्टी नाम से मिल का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं का चित्रण किया है। वो पहलू कौन से हैं? विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। मिल विचार स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और उनका ये कहना था कि सत्य को केवल तर्क वितर्क के द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब विचारों का संघर्ष होता है तो उनके अनुसार हमेशा सत्य की जीत होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और राज्य के द्वारा किसी भी विचारधारा या भावों की अभिव्यक्ति पर कोई भी बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी के विचार का दमन किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सत्य का दमन किया जा रहा है। इसलिए मिल ने विचार स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और उन्हीं के इन विचारों का परिणाम था कि इंग्लैंड में संस्थात्मक शासन पद्धति और विचार विमर्श के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। इसी तरीके से विचार स्वतंत्रता की तरह मिल ने कार्य स्वतंत्रता पर भी बल दिया है। मनुष्य के कार्यों को मिल ने दो भागों में विभाजित किया है, स्वविषयक और परविषयक। स्वविषयक कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है। इस क्षेत्र में सोना, पहनना, खाना, उठना, बैठना आदि कार्य आते हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र रखने के पक्ष में है। वह तो यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में जुआ खेल रहा है या शराब पीता है तो, और उसके इस कार्य से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने की आज़ादी होनी चाहिए। परविषयक कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। लेकिन यहाँ मिल ये कहता है कि यदि व्यक्ति के कार्यों के करने से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचती है तो ऐसे कार्यों की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार मिल विविध मानता है कि विविधता से ही मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चूँकि सबके लिए एक समान जीवन रखना सामाजिक विकास के विरुद्ध है, इसलिए मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं उनसे मुक्त करना चाहता है, क्योंकि रीति रिवाज के होने से रूढ़िवादिता का प्रकट होती है, और रूढ़िवादिता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक मानी जाती है। तो इस प्रकार मिल व्यक्ति स्वतंत्रता को विचार और कार्य स्वतंत्रता के आधार पर विभाजित करता है। मिल ने जो स्वतंत्रता सिद्धांत प्रस्तुत किया उसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहली आलोचना है व्यक्ति स्वयं के हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं। मिल ने व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। इस प्रकार से व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर संप्रभु स्वीकार किया है, जबकि उसके इस विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं हो सकता। आज सामाजिक संगठन इतना अधिक जटिल हो गया है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनका हल वह अकेला नहीं कर सकता। तो ऐसे में समाज के हस्तक्षेप के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता।
दूसरी आलोचना की जाती है उसका चिंतन जो है वो विरोधाभासी है, जहाँ वह विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं देने की बात करता है, वहीं झक्कियों को वह पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर देता है। तो इस संबंध में आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहार में विकृत मस्तिष्क वाले और सनकी जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, बल्कि सनकियों को स्वतंत्रता अगर दी जाएगी तो वो समाज के लिए हितकर नहीं होगा। तो इस तरीके से वो अपने विचारों में ही इतना विरोधाभास उत्पन्न कर देता है कि उसके विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी आलोचना की जाती है कि मिल का जो विचार है वो दुराग्रह पूर्ण है। कैसे है दुराग्रह पूर्ण? कि उसके दुराग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वह सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है लेकिन पिछड़े हुए वर्गों और जातियों के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित रखता है। तो ऐसी स्थिति में मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किया है वह केवल समाज के उच्च वर्गों को विशेषाधिकार देने का सिद्धांत बनकर रह गया है। अगली आलोचना है कार्यों का विभाजन संभव नहीं। मिल के द्वारा कार्यों का विभाजन किया गया है, हमने अभी पढ़ा था स्वविषयक और परविषयक आधार पर वह कार्यों का विभाजन करता है जो कि व्यवहार में संभव नहीं किया हो सकता। वह कहता है कि अगर मद्यपान कोई व्यक्ति करता है या जुआ खेलता है तो वह उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिसका परिणाम कार्य करने वाले व्यक्ति तक सीमित रहे। जैसे बहुत ज़्यादा यदि व्यक्ति शराब पिएगा तो उससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और व्यक्ति जो है वो समाज का उपयोगी सदस्य नहीं रहेगा। इसी तरीके से जुआ खेलने से परिवार और समाज पर दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक जुए के खेल ने ही महाभारत को जन्म दिया है। तो समाज इस प्रकार की जब परिस्थितियां होती हैं तो मौन नहीं रह सकता। अगली आलोचना है राज्य बुराई नहीं। मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करता है और वो ये मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को रोकने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य होना चाहिए लेकिन राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधाएं नहीं दी जानी चाहिए। आज के संदर्भ में मिल का ये विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आज व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एक जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, तो ऐसे में राज्य की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अगली और अंतिम आलोचना है स्वतंत्रता की धारणा निषेधात्मक। मिल ने जो स्वतंत्रता की धारणा प्रस्तुत की वो पूर्णतया नकारात्मक है, निषेधात्मक है। उसने जिस रूप में स्वतंत्रता पर विचार किया है वो सकारात्मक नहीं कहे जा सकते। मिल यह नहीं बतलाता कि मूलतः स्वतंत्रता का विचार क्या है और इसके लिए राज्य कौन कौन सी स्थितियाँ प्राप्त दे सकता है। चूँकि वह स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा को प्रस्तुत नहीं कर पाया इसलिए उसके विचारों को पूर्णतः नकारात्मक श्रेणी में रखा गया। हालांकि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना की गई लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि उसके विचारों के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। विशेष रूप से विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रस्तुत की है उसने जो समर्थन किया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दर्शन में विचार और अभिव्यक्ति की खुलकर समर्थन करने वाला मिल के अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए भले ही कार्य संबंधी स्वतंत्रता की हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिस पुरजोर ढंग से मिल के द्वारा समर्थन किया गया वह राजनीतिक दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किए
इसी तरीके से अन्य विचार भी मिलके द्वारा प्रतिपादित किए गए, जैसे व्यक्तिवाद पर मिलके विचार। व्यक्तिवाद के संदर्भ में हम यहाँ कह सकते हैं कि मिल ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है और वह राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। वह राज्य को मात्र व्यक्ति के कार्यों को पूर्ण करने का साधन मात्र स्वीकार करता है। वह व्यक्ति को पूरी तरीके से आज़ाद करता है, उसके कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को, अनावश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता और राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपना चाहता है। इसके अलावा राज्य को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं रखना चाहता, पूर्णतः व्यक्ति को स्वतंत्र रखने के पक्ष में है। राज्य को कम से कम व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का समर्थन करता है। इसी तरीके से मिल ने राज्य संबंधी भी विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। राज्य संबंधी विचारों में हमने देखा कि राज्य को कम से कम कार्य करने की बात मिल कहता है। वह यह मानता है कि राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मनुष्य की इच्छा का परिणाम समझना चाहिए और वही उचित है। इसके अलावा वह कहता है कि राज्य जो है वो आवश्यक भी है लेकिन बुराई के रूप में है। इसके अलावा राज्य को और कोई भी कार्य नहीं दिए जा सकते। अन्य विचारों में वह प्रतिनिधियात्मक शासन का भी समर्थन करता है। वह ये मानता है कि आज के समय में जहां विशाल राष्ट्रीय राज्य हैं, वहां पर प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन किया जा सकता है, प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को अपनाना संभव नहीं है। इसी तरीके से महिला मताधिकार का वह समर्थन करता है, जिस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिल ने ये माना कि ब्रिटिश संसद में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटेन की स्थिति यह थी कि महिलाओं को उच्च शिक्षा और उच्च पदों से वंचित रखा जाता था, सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश निषिद्ध था। तो ऐसे में मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन करके महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का अधिकार प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन में मिल ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने विचारों को प्रस्तुत किया और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका विचार माना जाता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को माना जाता है। इसके अलावा महिला मताधिकार का जो समर्थन किया है वो भी मिल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। तो इस प्रकार से मिल जो हैं वो व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थकों में से माने जाते हैं और राजनीतिक दर्शन में उनका अपना अलग ही स्थान कहा जा सकता है।